इस वृक्ष को देख रहे हैं आप, कितना अडिग है। दिन भर धूप में खड़ा रहता है, नीचे बैठने वाले को छाया देने। अब जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे इस वृक्ष की टहनियों पर पत्तों के साथ साथ फूल खिलने लगते हैं, जो फूल बाद में फल बन जाते हैं। अब समय के साथ साथ जब ऋतु बदलता है तो ये फल तोड़े जाते हैं, कुछ फल गिर जाते। पतझर के आने पर पत्ते तक इस वृक्ष का साथ छोड़ देते हैं, किंतु ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। ना फलों के आने का उत्सव मनाता है, ना पतझर के आने का शोक मनाता है। और इसीलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष अपने स्थान पर अडिग रहता है। इसी प्रकार सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख और दुख हमेशा रहेंगे, इसलिए ना कभी सुख के आने पर अभिमान से भर जाएं, ना कभी दुख के आने पर शोक में, क्योंकि सुख और दुख समय रूपी, जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं। ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु सुख और दुख में जो व्यक्ति अडिग रहेगा वही पूजनीय होगा। राधे राधे।